Hello everyone, this is Mansi from evenhappy.in. Let's start exercise 3.3, question number 1. Use the bar graph to answer the following question. Now, सबसे पहले तो आता है bar graph क्या होता है. यहाँ पे you will see this is called a bar graph. ठीक है, इसके अंदर ये जो हमारे पास bars हैं, ये जितने भी यहाँ पे columns हैं, these are bars. ठीक है, so इस बार ग्राफ की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. द फर्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट. सो आपको बताना है कि कौन सा सबसे पॉपुलर पेट है. सो बिफोर दैट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बार ग्राफ को रीड कैसे करते हैं. सो बार ग्राफ में देखोगे इस साइड पे हमारे पास स्टूडेंट्स है, मीन्स दीज आर दी स्टूडेंट्स, लाइक 2 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. फाइन, और यहाँ पे नीचे इस साइड पे पेट एनिमल्स है, दैट इज डॉग, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स एंड अदर्स. सो व्हाट इट मींस इज कि अब जो ये डॉग वाला है, दिस इज गोइंग अप टिल 8, मतलब कि 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग्स हैं. सिमिलरली कैट हो गया 10 के पास, रैबिट हो गया 2 के पास, हैमस्टर हो गया, दिस इज बिटवीन 6 एंड 4, मीन्स अराउंड 5 स्टूडेंट्स. Then we have others. इनके अलावा जो है that is between 2 and 4, which can be 3. ठीक है, so इस तरह से हम बार ग्राफ को रीड करते हैं कि हम देखेंगे ये बार कहां तक जा रही है, कौन सा है और कितना है. ठीक है, so हमसे पूछा which is the most popular pet. अब इसमें से सबसे पॉपुलर पेट क्या है. नंबर्स अगर हम ना भी देखें तो आप देखोगे जो बार टॉलेस्ट है, दिस इज दी टॉलेस्ट बार, मतलब कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास, मीन जो सबसे पॉपुलर पेट होगा, That is cats. Why? Because इसका bar सबसे ज्यादा है and this is around 10 students के पास है. Fine? So first part का answer हो जाएगा cats. Then we have second part. तो second part में है how many children has dog as a pet. अब इसमें से देख के आपको बताना है कि कितने students के पास dog है. So this is the first one. आप देखोगे कि इसका bar कहां तक जा रहा है. So it is till here, which is 8. So the answer will be 8 students. ठीक है, समझ में आ गया. अब आपको पता चल गया कि हम बार ग्राफ को कैसे रीड करते हैं. फाइन, सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2.